तब बोले मुनि नपत सत्य कही तुम बात, अरे वे दोनों अवतार है सो उन गति जानी न जा। राजन आपने बिल्कुल ही सत्य कहा, वो दोनों भाई अवतारी हैं, इसीलिए आज तक उनकी गति और मति को कोई जान नहीं पाया। और है वे तुम्हारे काल प्रगट भये ब्रज आए के नंद रूप के बाल, तुम उनको राखो मति। राजन वो अवतारी होने के साथ साथ कुछ और भी है। क्या है? वो तुम्हारे काल है। बस बस गुरुदेव बस, इस जगह पर और कोई होता तो न जाने क्या हो गया होता। देखा आपने, काल शब्द सुनते ही मेरे योद्धाओं की भुजाएं फड़कने लगी हैं। काल कैसो काल बनी, नहीं तो मऊ को बताओ काल पकड़ के धड़ पे पछाड़ू। नंद उपनंद लो नंदन को बंदी बनाए, बीच कालाघाट डालू को कृष्ण बलराम को सन्मुख खड़े कर दया नायक रहे धारुगो। मेरी है कृपाण या की है बिदार हार, सभी देखते ही शीश यही से तारूंगा। काल काल कहकर के मेरे योद्धाओं को भयभीत न बनाए गुरुदेव, मुझे तो उपाय चाहिए और उपाय भी कैसा होना चाहिए। और गुरुदेव यही नहीं, कहां करे वो काल, कहां करे वो प्यार, कहां करे वो नंद को पोछैया, एक हंसी हमें आवत है इतना गए वो छात्र। गुरुदेव मुझे उपाय चाहिए और उपाय भी कैसा होना चाहिए। बात की तो बात रहे और बात में कोई लपेट पड़ेगा, तीर नहीं सब से नहीं सांप मरे और लाठी टूटे ना, हमारा नाम भी न हो और हमारा दुश्मन समाप्त हो जाए। तो राजा एक बात मेरे मन आवे, करहु कंस जो तुमको भावे। यदि आप उपाय चाहते हैं तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, यदि आपको वो अच्छा लगे तो करना, यदि अच्छा नहीं लगे तो मत करना। कहो गुरुदेव। कालिया अही रहे यमुना में आई, कहां कमल फूले बिपुलाई। गरुण के भय के कारण अमृत दीप से काली नाम का सर्प वृंदावन के समीप दह बना करके रह रहा है। काली जिससे यमुना का जल विस्मय हो गया है। काली काली विदूषक। कौन काली? काली ओहो काली कलकत्ते वाली, ब्रह्मा की बेटी विष्णु की शादी, जाय बैठी पीपल की डाली, दोनों हाथ बजा रहे खाली, बात खाते भरवर थाली, जिनकी धोती ढीली डाली, जिनकी पूजा करते हैं बंगाली, वही मेरी घरवाली। अरे वो काली नहीं नेपाली। और कोई काली का भक्त बैठा होगा बहुत मारेगा तुझे। वो काली नाम का जो सर्प है वृंदावन के समीप दह बना करके रह रहा है, जिससे यमुना का जल विस्मय हो गया है। तो राजा फूल तहां ते मांग पठावो, दूत भेज नंद ही डर पावो। लेकिन गुरुदेव हमारा इससे क्या प्रयोजन है? आपका बहुत बड़ा प्रयोजन इससे सिद्ध होना है राजन। क्या? उसमें नील कमल के पुष्प खिले हुए हैं, एक दूत भेज करके भगवान शिव की पूजा के लिए 1 करोड़ नील कमल के पुष्प वहां से मंगवाइए। तो यह बात बेहू सुन पे है, जब आपका दूत यहां से पत्र लेकर के जाएगा तो इस पत्र को सभी ब्रजवासी जब सुनेंगे तो वो घबरा जाएंगे और कमजोर हृदय वाले तो मर ही जाएंगे। और जानते हो वो कृष्ण हट का बड़ा हटीला है, जिद का बड़ा ही जिद्दी है, तो वो ब्रजवासियों के कष्ट को नहीं देख पाएगा।
जे है अवस फूल के काजा, तहां घात कर है अहिराजा। वो कष्ट फूल लेने के लिए उस कालीदा में अवश्य जाएगा, और जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? जो फूल लेने जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा, लाठी भी टूटेगी नहीं और सांप भी मर जाएगा। वाह गुरुदेव, वाह, क्या सुंदर उपाय बताया है बुद्धू साहब, बहुत सुंदर उपाय। लाठी भी टूटेगी नहीं और सांप मारा जाएगा। वाह गुरुदेव वाह, हमारा नाम भी नहीं होगा और हमारा दुश्मन समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।